सुंदरवन के जंगल में कलुआ कौवी रहती थी। बहुत दिनों के बाद कलुआ कौवा अपने जेल से आजाद हुआ था। देखो कलुआ कौवा, पूरे 6 महीने बाद मैंने तुम्हें जेल से आजाद किया है ताकि तुम अच्छे पंछी बन सको। तुमने उस समय बहुत से पंछियों के भोजन चुराए थे जिसके कारण मैंने तुम्हें जेल में डाला था। अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ रही हूँ। आगे से कभी भी चोरी मत करना वरना मैं तुम्हें फांसी पे लगा दूंगी। जी जी महारानी जी, मैं कभी भूल कर भी अब चोरी नहीं करूँगा। आपको अब कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं एक अच्छा पंछी बन के दिखाऊंगा। इस तरह कलुआ कौवा अपने घोंसले में जाता है। उसे देखकर कलुआ कौवी बोलती है, क्या जी, आखिर आप इतने महीने बाद अपने घोंसले में वापस आ गए। हमारी महारानी का दिल बहुत अच्छा है, उन्होंने आपको तुरंत छोड़ दिया। अब आप कभी भी चोरी मत कीजिएगा। हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके खाएंगे। अरे वो सब छोड़ो तुम, मैं तो अपनी महारानी से बदला लेके रहूंगा। बस एक अनाज ही तो चोरी किया था, उसके लिए उसने मुझे उतने दिन तक जेल में रखा। मैं महारानी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने दोस्त बबलू कबूतर से मिलने जा रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद वापस आऊँगा। इस तरह वह बबलू कबूतर से मिलने के लिए चला जाता है। अरे क्या बात है कलुआ कौवा, आखिरकार इतने दिनों बाद तुम जेल से आ ही गए। मुझे तो बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पा रहा था। चलो अब तुम आ गए हो ना, अब मिलके हम लोग फिर से चोरी करेंगे। नहीं बबलू, अब हम लोग चोरी नहीं करेंगे। मुझे अपनी महारानी से बदला लेना है। एक बोरी अनाज चोरी करने के लिए उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, 6 महीने तक जेल में रखा। मुझे उनसे बदला लेना है, तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ कलुआ भैया। तुम्हें हमारी महारानी को मारना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 3 बोरे अनाज दूंगा। उसके बाद इस जंगल का नया राजा मैं बन जाऊंगा। फिर सभी लोग मेरी हुकुम मानेंगे। कुछ ही दिनों के बाद मैं तुम्हें सेनापति भी बना दूंगा। ठीक है कलुआ भैया, काम जैसे ही खत्म होगा मैं आपसे अनाज लेने के लिए आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इस तरह वह महारानी के पास जाता है और बोलता है, महारानी मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज दिखानी है। आप जल्दी चलिए मेरे साथ, नहीं तो वह वहाँ से चली जाएगी, फिर आप कभी नहीं देख पाएंगी। इस तरह वह महारानी को एक पहाड़ की चोटी पे लेके जाता है और वहाँ से धक्का दे देता है और तुरंत सभी पंछियों के पास जाके बोलने लगता है, महारानी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें एक चील ने मार के खा लिया। वह मरते मरते मुझसे बोली कि जंगल का अगला राजा कलुआ कौवा होगा। हम लोग अपनी महारानी की बात नहीं टाल सकते, इसलिए जंगल का नया राजा कलुआ कौवा ही होना चाहिए। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह बात फैल जाती है और कलुआ कौवा नया महाराज बन जाता है। पर महारानी अभी तक मरी नहीं रहती हैं। उन्हें एक डॉक्टर बचा लेते हैं और कुछ दिनों तक अपने यहाँ इलाज करते हैं। तब तक कलुआ कौवा राजा बनके बहुत खुश होता है। वह सारा सारा दिन आराम करता और बहुत अच्छा अच्छा भोजन मंगा के करता। एक दिन कलुआ कौवा कुछ पंछियों को बुलाता है और बोलता है, पंछियों राजकोष का धन लगभग खाली ही हो चुका है। मैं सोच रहा था तुम लोगों के पास जितने भी सारे सोने गहने हैं सब के सब लाके मुझे दे दो, इससे राजकोष का धन भर जाएगा। तभी वहाँ पे असली महारानी आ जाती हैं और वह बोलती हैं, वाह कलुआ कौवा वाह, क्या चाल चली है तुमने। और बुलबुल तुम मुझे कोई चीज दिखावे के बहाने ले जाके पहाड़ी पर से धक्का दे दिए। नहीं महारानी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ किया कलुआ कौवा के कहने पर ही किया। इसी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें 2 बोरी अनाज दूंगा और तुम्हें सेनापति भी बना दूंगा, इसलिए लालच में आके मैंने ऐसा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सभी पंछी सारी बातें सुनते हैं और महारानी बोलती है, बस अब जो कलुआ कौवा ने किया वह बर्दाश्त से बाहर है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कलुआ कौवा को फांसी दिया जाए।